टेरी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने आईटीआई क्लर्क को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 11 ग्राम से ज्यादा स्मैक बरामद की गई है, जो कि पहाड़ के बच्चों को ग्राहक बनाने की फिराक में था। वहीं आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि अभियुक्त एनडीपीएस एक्ट के तहत इससे पहले भी जेल जा चुका है, फिलहाल उससे पूछताछ जारी है। एक लिपिक के पद पे कार्यरत है और वैसे पिछले 2 वर्ष से निलंबित चल रहा है और इससे हमको 11.69 ग्राम स्मैक जो है ये बरामद हुई है और पूर्व में भी इसका आपराधिक इतिहास है। ये थाना नहरी कॉलोनी जनपद देहरादून से ये एनडीपीएस के मामले में जेल में रहा है और सरकारी कर्मचारी 2 साल से निलंबित भी और एडिक्ट भी है और ये स्मैक जो यहाँ ला के छात्रों को टीरी में ये सप्लाई करता था, जो प्रारंभिक पूछताछ से इससे पता चला है।